जल्दी से जल्दी इस खोज का फायदा उठाएं और अपने करियर को एक नया मुकाम दें। जय जोहार संगवारी, छत्तीसगढ़ व्यापम की करो तैयारी। दोस्तों, यदि आप पटवारी, आरआई, एसआई, मंडी निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, वन रक्षक, मंडी निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, परियोजन क्षेत्रपाल, इसके अलावा छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रीलिम्स और सीजी व्यापम की जो भी अन्य एग्जाम हो रहे हैं, यदि आप इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज जुड़े अद्वैत एजुकेशन के नवा बिहान बैच द्वितीय से। इसमें आप 3,333 रुपए देकर एक साल तक का कोर्स का फायदा उठा सकते हैं, जहाँ पर इंडिया के टॉप रैंक्ड आपको एजुकेटर्स पढ़ाएंगे। पूरी के पूरी कोर्स आपकी संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी नोट्स के साथ, और इसके लिए आपको करना होगा गेट एकेडमी लाइव ऐप डाउनलोड, और उसको डाउनलोड करके आप करिए रजिस्टर और अपना कोर्स बुक करें मात्र 333 रुपीस में। तो जाए अभी डाउनलोड करें गेट एकेडमी लाइव ऐप। तो समय कम है, जल्दी से जल्दी इस कोर्स का फायदा उठाएं और अपने करियर को एक नया मुकाम दें। जय जोहार संगवारी, छत्तीसगढ़ व्यापम की करो तैयारी। दोस्तों, यदि आप पटवारी, आरआई, एसआई, मंडी निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, वन रक्षक, मंडी निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, परियोजन क्षेत्रपाल, इसके अलावा छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रीलिम्स। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है सभी का द्वैत एजुकेशन पे। और इस वर्ष का ये अंतिम करंट सफारी है, मतलब अगला जो सफारी जो हम चलेंगे, जो सैर करेंगे, वो सीधा न्यू ईयर पे चलेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने जितना पढ़ा होगा मेरे से, बहुत मज़ा आया होगा। और वैसे भी आप लोगों को मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह डाल के मैं दिखाते रहता हूँ, आप लोग जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप में अद्वैत एजुकेशन और मेरे साथ, तो आप लोगों को टाइम टाइम पर चीज़ें मैं दिखाते रहता हूँ, है ना। एक बार सारे के सारे बच्चे जितने भी आ चुके हैं लाइव, एक बार बता देंगे ऑडियो वीडियो सही है कि नहीं, ठीक है। और सेशन को फटाफट जल्दी से आप लोग लाइक एंड शेयर कर देंगे, ठीक, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी देख सकें इसको और इसका फ़ायदा उठा सकें। एक बार सभी के सभी बच्चे मुझे बता देंगे ऑडियो वीडियो क्वालिटी में एब्सोल्युटली फाइन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, है ना। चलिए, चलो, वेरी गुड आफ्टरनून गिरधारी, देसी बॉयस, जितने भी और अन्य बच्चे हैं, एक बार सभी बता देंगे मुझे ऑडियो वीडियो में सभी फाइन है, ओके है क्या सभी जगह। चलिए, फाइन है बोला जा रहा है, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ओके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन, और सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पर हम जो डिस्कस करना चाहेंगे, जो चीज़ें यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, वो ये है, सेकंड चांसेस आर नेवर द सेम एज द फर्स्ट। जब आपको कोई दूसरा मौका मिलता है, इसका मतलब ये नहीं सोचना है कि सर मुझे पहले जैसा ही मिल रहा है या फिर सारी चीज़ें पहले जैसे होंगी, कभी भी ये मत सोचना। इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लाइक आपके लिए अपॉर्चुनिटी एकदम नहीं हो सकती, या फिर आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी एकदम मतलब चैलेंजिंग भी हो सकती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि सर हम बाद में कर लेंगे या फिर देख लेंगे ऐसा करके, बट ऐसा मत सोचना, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि जो बच्चे देख रहे हैं सालों से, जिन लोग देख रहे हैं भैया, उनका जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल का रहने वाला है, और आपका जो लेवल कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा तो कम रहेगा, क्योंकि वो कंटिन्यू देख रहे हैं और आज फिर देख रहे हैं और फिर से रिवाइज करेंगे। तो ऑफकोर्स यार, दोनों के बीच कुछ तो अंतर रहेगा, सेम चीज मैं यहां पर बात कर रहा हूं। हां, ये भी नहीं सोचना है यहां पर कि यार अभी सर अभी तक हम नहीं देखे तो अब देख के हम क्या करेंगे, क्या पता आप उससे आगे भी निकल, प्रोबेबिलिटी दोनों है, है ना। तो चांसेस जब भी आपको मिलता है तो आपको दोनों को लेके चलना है, दोनों चांसेस को आपको भुनाना है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन यहां पर हम देखेंगे, आपको बताना है रिसेंटली इन विच स्टेट डिड द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द सरयू कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट, या फिर सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है। ऑप्शंस दिए हैं हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और लास्ट में बिहार। यार कोई भी इसको बता सकता है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है ये, है ना। चलिए देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं, फटाफट आ जाएंगे सभी के सभी, एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन द आंसर। चलो, गुड आफ्टरनून है भाई सभी को, है ना, फटाफट आंसर करेंगे सभी। तो यहाँ पर सी बोला जा रहा है, यहाँ पर सी बोला जा रहा है, लेट्स सी, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर कर पाते हैं। ओके, चलिए, वेरी गुड सर, तो इसका सही जवाब क्या हो जाना है? यस, ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में ही इसका क्या किया गया है, सॉरी उत्तर प्रदेश में ही क्या किया गया है, इसका इनॉग्रेशन अभी हाल ही में रिसेंटली किया गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते सर, लेट्स सी दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, चलिए बढ़ते हैं अपन दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है ना, आपको बताना है द फर्स्ट एवर समिट ऑन डेमोक्रेसी वॉज हेल्ड ऑन 9-10 दिसंबर ऑन हुज इनिशिएटिव
दिस कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड 9 से 10 दिसंबर को पहली बार यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। किस पर आधारित था सर? ये आधारित था आपका लोकतंत्र पर। तो ये किसके इनिशिएटिव में, यानी कि इसको जो स्टार्ट किया था जिस बंदे ने, ठीक है ना, या जिस देश ने, उसका नाम आपको बताना है। चलिए बता दीजिए, किस देश के प्रतिनिधित्व पर, या फिर किस देश के बोलने पर, है ना, या किस देश के नेता ने इसको स्टार्ट किया था। ओके, चलिए आंसर दिया सर यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी, जो बाइडन। ओके, एंड आपको करना है आंसर, फटाफट कर दीजिएगा आंसर। व्हाट शुड बी द आंसर, लेट्स सी। चलिए तो क्या बात है, यहाँ पर आंसर आने स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया, गजब, वेरी गुड, गुड आफ्टरनून भाई सभी को, ठीक है, यस। सेकंड का भी आंसर हो जाना है क्या, सी। जो बाइडेन ने पहली बार इसको क्या किया था, आयोजित मतलब आमंत्रित किया था, और वर्चुअली बोले तो सर जो बाइडेन बैठ गए थे अपन, और बाकी लोग भी कैमरे के माध्यम से इसको कर रहे थे फेस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम लोग। आपको बताना है सर ये, किस भारतीय महिला को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। पहले तो आप इनका नाम बताइए, रॉयल गोल्ड मेडल किन भारतीय महिला को दिया गया है, फिर हम सर बताएंगे कि ये किस चीज के लिए दिया गया है और कहां पर दिया गया है। पहले आप लोग आंसर कर दीजिए फटाफट, किनको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। लेट्स सी कितने बच्चे बता पाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, लेट्स सी कितने बच्चे बता पाते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक है। क्या बात है, 3 का बी बोला जा रहा है, 3 का बी बोला जा रहा है, सही है। चलिए देखते हैं बाकी बच्चे लोग क्या आंसर करते हैं। ओके, बाल कृष्ण दोषी है ना, याद रखना सर, इनको किसके लिए दिया गया आर्किटेक्ट बोले तो वास्तुशिल्प या फिर वास्तुकला, और सर ये दिया गया है कहां पे, लंदन में, याद रखना, यूके में बोल सकते हो या फिर लंदन में, ठीक है, लंदन द ठुमक द, पता होगा सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बातें कर लेते हैं। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन प्रतियोगिता है ना, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियन में या कॉम्पिटिशन में इस महिला ने, रानी देवी ने, ठीक है, विद्या रानी देवी ने, जिसको विद्या रानी देवी बोला जाता है सर, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर इनमें से कोई नहीं। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी हाल ही में यूपी पॉलिटेक्निक का पेपर हुआ था, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए थे और 2 क्वेश्चन एज इट इज हमारे सेशन से आए हुए थे, मतलब प्रोबेबिलिटी भाई 50%, यदि 10 क्वेश्चन आता है तो सर कम से कम 5 आते हैं, 20 आएगा तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन, और उसमें मंडी में तो भाई पूरा 99% आया था, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं था, पूरा कराया हुआ, सारे क्वेश्चंस कराए हुए आए थे, ठीक है ना। चलो आंसर कर लो, गुड आफ्टरनून, यस, वेरी गुड। तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरी फेवरेट नहीं है भाई, मेरी फेवरेट कोई नहीं है, ठीक है ना, यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रजत, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट सिल्वर, अगला प्रश्न आपको बताना है, मिस यूनिवर्स जो कॉम्पिटिशन हुआ था, है ना, आप सभी को पता है हरनाज संधु कौर ने जीत लिया है, आपको यह भी पता है कि वो इंडिया की हैं, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है सर कि इसका आयोजन है ना, ये कहां पर किया गया था, भारत, इजराइल या दक्षिण अफ्रीका। ओके, गुड आफ्टरनून सभी को, चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर, इसको कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है ना, इसका आयोजन जो है वो कहां पर किया गया था, आपको ये आंसर बताने हैं। चलिए सर, वेरी गुड, तो इजराइल बोला जा रहा है यहां पर बच्चों के द्वारा, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, इजराइल में किया गया था, ठीक। आगे बढ़ते सर, अगला प्रश्न ये रहा, रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया है, हु वॉज ऑनर्ड बाई द रामानुजन अवार्ड, मीना गुप्ता, ममता चटर्जी, नीना गुप्ता या फिर नन, किनको दिया गया है, आंसर करिएगा। चलो गुड आफ्टरनून सभी को, थोड़ा टाइम पे आइएगा, है ना, लेट आ रहे हैं लग रहा है आप लोग, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आंसर बताइए, ये अवार्ड, ये पुरस्कार किसको दिया गया है। तो यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है सर, मीना में और नीना में, है ना, ठीक है, मीना और नीना में कंफ्यूजन नहीं होना, चलिए आंसर कर लीजिए। हाँ जी सर, एकदम सही जवाब है, नीना गुप्ता, क्या, नीना गुप्ता, याद रखेंगे, नीना गुप्ता हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट है सर,
आपको बताना है। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ, आज के सेशन में हम लोग एकदम बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, मतलब जितने भी न्यूज़ हैं, मतलब अच्छे अच्छे न्यूज़ थे और बहुत सारे ऐसे न्यूज़ थे जिसको मेरे को छोड़ना पड़ा, छोड़ना इन द सेंस वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे और इतने सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ गए हैं कि उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताने में मेरा बहुत समय चला जाएगा और मैं चाहता हूँ कि वो आप लोग सीखें, वो चीज़ आप लोग जानें यहाँ से आज। ठीक है चले, आपको बताना सर यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है, किन्हें नियुक्त किया गया है, हैरियट एडिथ कैथरीन रसेल है ना या फिर नन, ये मैं लास्ट में आप लोगों को बताया था। और जितने भी बच्चे चाहे वो एप लाइव वाले बच्चे हों, चाहे मेरे यूट्यूब वाले बच्चे हों, चाहे कोई भी दूसरे बच्चे जो एकदम फर्स्ट टाइम यहाँ पर देख रहे हैं, यार देखो जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ते हो ना तो हमेशा तीन चीज़ का ख्याल रखा करिए। ठीक है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन का आप लोग जब भी पढ़ते हैं ना तो नोट जरूर बनाइए। लाइक सर आपने लिख दिया वन, यहाँ पर आपने लिख दिया यूनिसेफ, फुल फॉर्म नहीं पता तो लिख लो सिंपल यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड या इमरजेंसी फंड करके। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करोगे सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे वो लिख लीजिएगा, सर किस वर्ष इसकी स्थापना करी गई थी वो लिख लीजिएगा, और यहाँ पर सर वर्तमान में जो अध्यक्ष रहते हैं इसको आप लोग पेंसिल से लिखे या फिर दूसरे कलर के पेन से लिखे। पेंसिल से क्यों लिखने बोल रहा हूँ, क्योंकि सर ये क्या होते रहते हैं, इन लोग चेंज होते रहते हैं, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, बट ये जो है सर वो चेंज हो जाएगा। अब यदि मैंने किसी को एक महीने दो महीने पहले पढ़ाया होगा ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मैंने कुछ और नाम बताया होगा, बट यहाँ पर हमको नाम और देखना है, तो इनका जो नाम हो जाएगा कैथरीन रसेल, आंद्रे रसेल की बहन। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई जस्ट मजाक के लिए बोल रहा हूँ ना, सही मत लिख देना। ये कौन कौन हो जाएगा सर, कैथरीन रसेल, इसका सही जवाब हो जाना है सी। ठीक, आगे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किनको अपॉइंट किया गया या फिर किन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ठीक है ना, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी गिरीश नंदन, आर हरिकुमार, एम एन नरवणे, क्योंकि अभी तक सीडीएस नहीं बनाया गया है, यही हम बात करें ओनली चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सीओएससी की हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। ठीक है चलिए, तो सर आंसर कर दीजिए, क्या बात है, बड़ा फटाफट आंसर आ रहा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर, सुपर्ब, वेरी गुड। चलो सो यहाँ पर जी हाँ बिल्कुल सर, सी हो जाएगा इसका सही जवाब, एम एन नरवणे, मुकुंद नरवणे जी हो जाएंगे इसका सही जवाब। ठीक है ओके, नाउ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसके तहत है ना लाभार्थियों की यानी कि बेनिफिशियरीज की जो सूची जारी करी गई है, लिस्ट जारी किया गया है, किनका सर, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत। तो आपको ये आंसर करने हैं कि इसमें कौन सा जो स्टेट है वो टॉप पर रहा है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या फिर नन, कौन सा जो राज्य है वो टॉप पर रहा है। ओके चलो आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, चलो फटाफट कर लो आंसर, कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है जिनको ऊपर रखा गया है। ओके कुछ बच्चे महाराष्ट्र पे जा रहे हैं और कुछ बच्चे तमिलनाडु पे जा रहे हैं, क्या बात है, लगता है राघवेंद्र प्रसाद को इडली डोसा ज़्यादा पसंद आ गया साउथ का, नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर, इसका सही जवाब हो जाना है महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र जो है वो टॉप पे है। ओके और नीति आयोग बहुत सारे क्या बोलते हैं इंडेक्स जारी करते, वो सब अभी देखेंगे, वन बाय वन सारा का सारा चीज कवर करेंगे। और यार इस प्रश्न का तो आंसर कोई भी गलत नहीं बताएगा, इस प्रश्न का आंसर कोई भी बच्चा सबके सबको सही आंसर करना है। हाल ही में जो चर्चा में था, रिसेंटली वॉज इन न्यूज, सोलार प्रोब, ठीक है ना सर, आपको बताना है कि ये किस से संबंधित है, ये सोलार प्रोब ने किसको स्पर्श किया, किसको टच किया, चलो आंसर कर लो जल्दी से बताओ सर, सोलर प्रोब क्या हो जाएगा इसका आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो सर सूर्य को, सूर्य के किस चीज को टच किया सर इन्होंने, कोरोना को, सूर्य के कोरोना को इन्होंने टच किया। ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 या फिर 21st, चलो आंसर करो सर, गोवा लिबरेशन डे, गोवा मुक्ति दिवस, हाँ जी एकदम सही जवाब है सबका। चलो तो 11th का जवाब क्या हो जाएगा सर बताइए। अच्छा एक और प्रश्न का जवाब देना यहीं पर आप लोगों को, और बताना है गोवा को इंडिपेंडेंट राज्य, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राज्य का दर्जा जो है, इंडिपेंडेंट आपको बताना है, स्वतंत्र राज्य का दर्जा कौन से सन में दिया गया, किस ईयर दिया गया, ये भी आपको कमेंट करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सर 19 का बी, 19th ऑफ दिसंबर, 19 दिसंबर, चलो आंसर कर लो, गोवा को स्वतंत्र राज्य का जो दर्जा है वो कब दिया गया था। ठीक है
आंसर करिए सर फटाफट, लेट्स सी, देखते हैं। ये मैं बताया हूँ अपने सेशंस में और ये सब पूछा जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। ये बताया हूँ मैंने सेशन में और ये सब आपको पूछा जाएगा, ओके। चलो आंसर कर लो फटाफट एनीबडी। तो एक बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं 1961। और कोई है? और कोई है? 1950। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, राज्य की बातें की जा रही है, बहुत सुंदर। हाँ, 1987 इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र राज्य है ना, 1987 याद रखेंगे। 1987 को दिया गया था दर्जा स्वतंत्र राज्य, उसके पहले वो यूटी था, ठीक है, उसके पहले वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था, ओके, याद रखना इस चीज को। चलिए सर अंतिम प्रश्न की ओर देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रतिरक्षा प्रणाली में, इंडियन डिफेंस सिस्टम में स्मार्ट क्या है? व्हाट इज ए स्मार्ट? सुपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, या फिर इनमें से कोई नहीं। और आज हम पूरी मिसाइल को ही बातें करने वाले हैं, ये मिसाइल क्या होता है, मैक नंबर क्या होता है, सुपरसोनिक क्यों बोलते हैं, ये क्रूज क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम देखेंगे आज के सेशन में, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग फटाफट शेयर कर देंगे, क्योंकि शेयरिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। शेयरिंग नहीं करते, शेयरिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं करना होता, बस आना है और शेयर करते जाना है। शेयर में कुछ नहीं लगेगा भाई आपके, देखो जितना आप देख रहे हो डाटा भी उतना ही जाएगा आपका। कुछ नहीं करना है, शेयर का वहाँ पे ऑप्शन रहता है ना, उसको जाओ और जाके चुपचाप स्टेटस हो गया या जितने भी सोशल मीडिया आपके प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाके चुपचाप आप शेयर कर दो, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप आंसर बताइए, फटाफट जाके सारे के सारे बच्चे शेयर कर देना, क्योंकि हाँ सर बोलते हैं आप लोग शेयर नहीं करते, लाइक करो मत करो, शेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। शेयर करोगे तभी लोग देखेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, सर के जो पढ़ाने की टेक्निक है सबके पास जानी चाहिए, तो अवश्य शेयर करिए। यही भाई हम लोग के लिए क्या हो जाता है, जो बच्चे आते हैं देखते हैं, है ना, हमारे लिए यही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो आंसर कर लो सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओके, वेरी गुड, यहाँ पे आंसर आने स्टार्ट हो रहे हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, ठीक है। चलो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? सुपरसोनिक मिसाइल। बट देखो सुपरसोनिक तो सर ये क्रूज भी हो सकता है और बैलिस्टिक भी हो सकता है, समझना इसको, इस अंतर को समझना, बहुत बड़ा इसमें झोल होता है, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। क्रूज और बैलिस्टिक मैं बताऊंगा अभी बाद में, पहले मैं बातें कर लेता हूं, है ना। ये सर ये डिपेंड रहता है, ये होता है आपका सबमरीन से संबंधित है, यानी कि ये हो जाएगा सुपरसोनिक मिसाइल फॉर द टॉर्पीडो। और जो टॉर्पीडो जो रहता है सर वो किसके लिए रहता है? वो रहता है आपका सबमरीन के लिए। आपने देखा होगा सबमरीन, जैसे कि गाजी द अटैक करके, तो सर ये भारतीय प्रतिरक्षा प्रणाली के इंडियन नेवी के सबमरीन से संबंधित है। किससे सर? इंडियन नेवी के सबमरीन से संबंधित है, ठीक है। अब हम इसकी चर्चा करेंगे, क्रूज क्या होता है, बैलिस्टिक क्या होता है। बट उसके लिए सर सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूज़, कि किस न्यूज़ की हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। और उसके भी पहले ये इस ईयर का ऑफर है सर, यहाँ पे ऑफर का फ़ायदा उठा लीजिए, 3999 है। जितने भी बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि नए वर्ष के बाद बाकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, फिर ऑफर का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे, फिर रेट बढ़ जाएगा। तो जल्दी से जल्दी अपने आप अभी कोर्स को बुक कर लीजिए। नवा अभियान अभी बैच चल रहा है, और उसके बाद अभी बहुत ही जल्दी इस पर मेरी इकोनॉमी की भी क्लासेस आने वाली है, आप लोगों की रीजनिंग की क्लासेस आने वाली, मैथ्स की क्लासेस हो चुकी, और भी जितने क्लासेस हैं वो सब यहाँ पे कंटिन्यू आने वाली है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ से। सर हम बातें करने वाले हैं प्रलय के बारे में, ठीक है। तो सर ये जो प्रलय है, देखो ऑफकोर्स ये जो चीज़ें रहती है डिफेंस से संबंधित जितने भी चीज़ें रहती हैं, इनका सर जो टेस्टिंग होता है वो होता है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, उड़ीसा के विलर, या फिर बोल सकते हो चांदीपुर तट, जो कि अब्दुल कलाम आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। और सर ये पूरा का पूरा जो संस्थान है या केंद्र है, ये रहता है सर DRDO का, है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सर हमने जिस मिसाइल की टेस्टिंग करी सर, उसका नाम है प्रलय। अब जैसे कि आपने सुना होगा सर, प्रलय मतलब जो आता है और एकदम धमाल मचा देता है, एकदम, है ना, भूचाल मचा देता है वैसा। तो सर ये भी कि जो प्रलय है ना, ये कैसा मिसाइल है सर? ये सरफेस टू सरफेस, याद रखना कैसा। अब मैंने कई बार आप लोगों को बताया, देखो जब मिसाइल का आप कैटेगरीज करने जाएंगे ना, यानी मिसाइल को जब आप पढ़ने जाएंगे, तो सर अलग अलग आपको टाइप्स मिलेंगे। सबसे पहले यदि मैं बातें कर लेता हूं, है ना, ऑन द नेचर ऑफ अटैक, मतलब कैसे किधर से कहां पे कौन सा अटैक कर रहा है, इसके आधार पर यदि आप मिसाइल का डिविजन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा सर? लाइक सरफेस टू सरफेस हो जाएगा ये, फिर सरफेस टू सर एयर हो जाएगा ये, है ना, फिर एयर टू सरफेस हो जाएगा, ठीक है, सरफेस टू वाटर, वाटर टू एयर, ऐसा अलग अलग रहता है सर। बहुत सारे आपको मिसाइल्स के टाइप मिलेंगे। फिर यदि मैं बातें करता हूँ तो सर आपको क्या क्या मिलेगा? सब सोनिक मिलेगा, फिर सोनिक हो जाएगा, सुपर सोनिक हो जाएगा, फिर सर हाइपर सोनिक हो जाएगा,
ठीक है। फिर यहाँ पे हम बातें करते हैं सर बैलिस्टिक मिसाइल आएगा, बैलिस्टिक। फिर यहाँ पे सर आएगा क्रूज, जिसकी हम यहाँ पर हम बातें करने वाले हैं, लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल। ऐसे मिसाइल पे यदि मैं लेक्चर लेना चाहूँ तो पूरा एक सेशन निकल जाएगा। तो जो मैं शॉर्ट में जो चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमको समझनी में वहाँ पर ये बताने वाला हूँ, ठीक है ना सर। ये एक ऐसा मिसाइल है जो कि कहाँ से कहाँ मार करेगा, जो कि मार करेगा सर सतह से सतह, बोले तो सर सरफेस से सरफेस, ये क्या करने वाला है, मार करने वाला है। और सर ये अपने आप में एक प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल है। मुख्य जो अंतर है सर उसको समझने की कोशिश करिएगा। लाइक आजकल बहुत सारी जो गाड़ियों में, व्हीकल्स में, फोर व्हीलर्स की मैं स्पेशली बात करूँ, और जहाँ तक मुझे याद है जो ओला वगैरह जैसे टू व्हीलर्स लेकर आ रहे हैं सर, वहाँ पर भी उन्होंने क्रूज सिस्टम लेकर आया है। तो आप सबसे पहले मुझे यहाँ पर बताइए, आप सबसे पहले मुझे यहाँ पर बताइए कि कितने बच्चे फोर व्हीलर में क्रूज कंट्रोल को जानते हैं या फिर देखे होंगे, कितने बच्चे ने देखा है एक बार जरा मुझे बताना। या तो आप लोगों के घर कार होगा उसमें जाके देखिएगा, जनरली टॉप मॉडल्स में आते हैं ये, या तो नहीं भी देखे होंगे तो सुने होंगे या पढ़े होंगे कभी, कितने बच्चे जानते हैं जरा बताना। कार के जब स्टीयरिंग रहता है उसमें जनरली राइट हैंड साइड में जो रहता है स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल होता है, लेफ्ट साइड में आपके जो मल्टीमीडिया फंक्शंस रहते हैं, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल रहता है, कितने बच्चों ने देखा जरा मुझे कमेंट करके बताना। यस सर वी हैव सीन करके। तो सर ये क्रूज क्या होता है, एकदम आसान सी भाषा में समझा रहा हूं। क्रूज वो चीज होता है जब आप हाईवे में गाड़ी रन करते हैं, जब आप हाईवे में गाड़ी रन करते हैं तो क्रूज का ऑप्शन आता है, आपने क्रूज दबा दिया। सपोज सर आपको 70 की स्पीड में चलनी है, सपोज 70 किलोमीटर पर आर की स्पीड में चलनी है, और आपको लगता है कि मेरे पैर को कोई काम नहीं है, मेरे को गाड़ी ऑटोमेटिक बना देनी है। तो सर आपने एक बार क्रूज सेट कर लिया और एक्सीलेटर से आप पैर हटा लो, वो गाड़ी 70 की स्पीड में कंटिन्यू चलेगी। बस आपको स्टीयरिंग संभालना है, क्योंकि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए ना सामने कुछ आ रहा है तो देखो। हाँ यहाँ पर एक और नुकसान ये भी है, आप मस्त पैर को उठा लिए है ना, नो आइडिया, कोई दिक्कत नहीं है नो आइडिया बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी गाड़ी में बस इतना सर्च करिएगा क्रूज कंट्रोल, आपको दिख जाएगा, ठीक है, फोर व्हीलर में स्पेशली। तो सर आपने क्रूज दबा दिया, अब वो गाड़ी कंटिन्यू रन करेगी बिना किसी हेल्प के, मतलब आपको एक्सेलरेट करने की नीड नहीं है, आपको उसको ईंधन देने की नीड नहीं है, ईंधन तो मिलेगा बट आपने उसको सेट कर दिया। सेम यहां पर होता है सर क्रूज कंट्रोल में, क्या होता है ये जनरली मीडियम रेंज मिसाइल्स होते हैं, कम दूरी की भी नहीं बोल सकते, ज्यादा दूरी भी नहीं बोल सकते, ये मीडियम रेंज के मिसाइल होते हैं। और सबसे बड़ी जो खासियत इसकी ये रहती है कि ये सर ये जो रेंज रहता है ना ये एटमॉस्फेयर को पार करके वापस नहीं आते, ये उसी एटमॉस्फेयर में ही लड़ते हैं। मतलब मैं यदि बोलूं बैलिस्टिक मिसाइल का जो रेंज रहता है सर शॉर्ट से बहुत ज्यादा 12,000 किलोमीटर तक भी रेंज रहती है। बैलिस्टिक मतलब होता है जैसे इंटर बैलिस्टिक आपने सुना होगा, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, जैसे यहां बैठा हूं सर इंडिया में और मेरे को चाइना के किसी आदमी को उड़ाना है चिंग चांग चुई को, तो मैं क्या करूंगा सर, तब मैं बैलिस्टिक मिसाइल का यूज करूंगा, क्रूज मिसाइल तब मेरा उतना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, तब मैं बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करूंगा, क्योंकि 12,000 का इसका रेंज रहता है सर, समझो 12,000 किलोमीटर कितना ज्यादा होता है, ठीक है। और ये क्या होता है सर, एक बार यहां से स्टार्ट हो गया ना ये एटमॉस्फेयर को पहले पार करेगा, ये आपका सपोज एटमॉस्फेयर है, इसको पार करके फिर वापस ही आता है सरफेस में, यानी कि सरफेस टू सरफेस हो चाहे कोई सा भी मिसाइल हो, एटमॉस्फेयर को पहले एक बार पार करेगा फिर ये वापस आता है, बट इसके साथ ऐसा नहीं होता। और इसके साथ सबसे बड़ी खासियत रहती है सर ये टारगेटेड रहते हैं इन लोग क्या रहते हैं, इन लोग टारगेटेड रहते हैं, मतलब एकदम इनको पता रहता है कि यहाँ पे जाके ठोकना है करके। और ये सर ऐसा नहीं रहता, इसके लिए आपको लॉन्ग रेंज चाहिए रहता है, ठीक है। यदि एग्जांपल की मैं बात करूं यहाँ पर तो इसमें आपको मिलेगा सर ब्रह्मोस जैसे मिसाइल हो जाते हैं, इन लोग क्रूज मिसाइल के अंतर्गत आते हैं। और जैसे कि सर आपने सुना होगा पृथ्वी हो गया, अग्नि सीरीज हो गया, ठीक है ना, धनुष वगैरह हो गया, ये सब के सब किस में आते हैं सर, बैलिस्टिक में आते हैं। बैलिस्टिक शॉर्ट से लेके बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक हो सकता है, ये लोग सर मीडियम रेंज में रहते हैं, टारगेट को हिट करते हैं, इनको एक बार कंट्रोल क्रूज कर दिया जाता है, क्रूज मतलब इनको बता दिया जाता है भैया तुमको पर्टिकुलर वहां पे जाके फटना है, मतलब इनका टारगेट एकदम सेट रहता है। और इनका ऐसा नहीं रहता, ये कई बार मान लेते हैं सर एकदम हवा तूफान आ गया, समझ रहे हैं ना, एकदम अचानक हवा तूफान आ गया तो सर इसका रास्ता गड़बड़ा सकता है। किसकी बात करूं, बैलिस्टिक की। हवा तूफान आ गया, कुछ और हो गया, कुछ और सब नेचुरल ऐसा कुछ फिनोमिना हो गया तो उसके कारण इसका जो रास्ता है वो गड़बड़ा सकता है, बट क्रूज का नहीं होता सर। क्रूज क्या होता है, क्रूज जो रहता है पर्टिकुलर टारगेट को जाके हिट कर देता है। आई बात समझ में, ठीक है, चलो। हाँ बैलिस्टिक जो रहता है वो ग्रेविटी पे बेस होता है, हाँ जी बिल्कुल, बैलिस्टिक जो रहता है ना वो बता रहा हूं ना एनवायरमेंटल क्रियाओं पे, यानी कि ग्रेविटी पे भी बेस रहेगा, कोरियोलिस इफेक्ट पे भी, कोरियोलिस इफेक्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इन सब चीजों पर बेस रहता है। कौन सा, बैलिस्टिक, याद रखना, ठीक है। गुड मॉर्निंग, अब आया समझ में सर, ये अंतर होता है क्रूज और बैलिस्टिक के बीच। तो गाड़ियों में जैसे क्रूज यूज करते हैं वैसे मिसाइल में भी हम क्रूज यूज करते हैं। नाउ अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज रहने वाला है सर वो पन्ना टाइगर रिजर्व से रहने वाला है, और यहां से फिर से एक क्वेश्चन बना दिया गया था। अब आप लोग बोलोगे देखो अभी 2021 में
क्वेश्चन आया था सर 2021 सीडीएस के एग्जाम में अभी हाल ही में हुआ था कि किसको हाल ही में यूनेस्को ने हाल ही में बोल दिया था, किसको हाल ही में यूनेस्को ने है ना अपने बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में या फिर यूनेस्को लिस्टेड बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया है। सर हमारे पास टोटल यदि मैं बायोस्फीयर रिजर्व की मैं बातें करूँ तो सर हमारे पास 18 हैं। उन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में पन्ना जो है सर वो लेटेस्ट है, याद रखेंगे, जिसको 2020 में यूनेस्को ने शामिल किया है। और टोटल नंबर ऑफ द लिस्टेड बायोस्फीयर रिजर्व आर 12। कौन कौन से हैं? टोटल तो 18 है सर, यहां पे 18 की हम बाद में बातें करेंगे। जो 12 जो रिजर्व हैं यूनेस्को के द्वारा, मैं बात कर लेता हूं नीलगिरी की, जिसको देखो नीलगिरी जो स्थापना करी गई थी 1986 में, याद रखिएगा ये सारे के सारे स्टैटिक फैक्ट हैं, 1986 में इसकी स्थापना करी गई थी, लेकिन वर्ष 2000 में यूनेस्को ने इसको अपने अधीन कर लिया, ठीक है। उसके बाद सर गल्फ ऑफ मन्नार नंबर 2, नंबर 3 पे सुंदरबन, नंबर 4 पे नंदा देवी, नंबर 5 पे नोकरेक, 6 पे पचमढ़ी, 7 पे सिमलीपाल, 8वें पे है अमरकंटक अचानकमार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, 9वें नंबर पे है ग्रेट निकोबार, 10वें नंबर पे है अगस्तमलाई, ओके 11वें नंबर पे कंचनजंगा, और 12वें नंबर पे सर पन्ना, जो कि पिछले साल बोल सकते हो 2020 में किया गया था। अब ये उतना इंपॉर्टेंट या उतना रिसेंट तो नहीं था सर, 2021 में पेपर ले रहा है, पूछ 2020 का रहा है, वो भी हाल ही में बोल रहा है, क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न यही रहता है जनरली, इन सब चीज़ों के कारण ये चर्चा में रहता है। अब सर पन्ना में क्या चर्चा में था थोड़ा देख लेते हैं। पन्ना में सर ये जो चर्चा में था जिसको बोला ये इंडियन डिजर्ट कैट, क्या बोलते हैं इसको, इंडियन डिजर्ट कैट, या फिर इसको एशियन स्टेपी वाइल्ड कैट के नाम से भी जाना जाता है, या फिर एशियाटिक वाइल्ड कैट के नाम से भी जाना जाता है। ये पहली बार पन्ना में देखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं सर, यदि ये देखा गया है तो क्या सर इसको IUCN के किसी कैटेगरी में रखा गया है क्या? हाँ जी सर बिल्कुल, इसको रखा गया है LC। LC बोले तो सर लिस्ट कंसर्न, लिस्ट कंसर्न बोले तो कम खतरे वाले, मतलब जिनको कम खतरा है, कम रूप, कम मतलब कम गंभीर ग्रस्त हैं लोग, ऐसी कैटेगरी में इनको रखा गया है, LC कैटेगरी में, ठीक है ना। IUCN क्या होता है आप सभी को पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं, जी हाँ बिल्कुल एकदम सही सुना आपने, पेड़ पौधों यानी कि फौना एंड फ्लोरा दोनों के लिए ये एक लिस्ट जारी करता है, जो दिखाता है कि ये स्पीसीज हैं जो कि खतरे की स्थिति में आ चुके हैं। तो ये चर्चा में था सर इंडियन डिजर्ट कैट की, हम जिसकी हम बातें कर रहे थे, पन्ना में देखा गया था। पन्ना कहाँ पर है आप देख सकते हो, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की यदि हम टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की हम बातें करें तो सर सर्वाधिक बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिलने वाले हैं मध्य प्रदेश में। टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व देयर आर 3, विच वन इज द पन्ना, पचमढ़ी एंड अचानक मार अमरकंटक। अचानक मार आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में और अमरकंटक हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। यहाँ से हम बात कर लेते सर रन ऑफ कच्छ मिल जाएगा, यहाँ पे नीलगिरी जो कि 3 अलग अलग राज्यों का, केरल तमिल एंड कर्नाटका सेंटर पे स्थित है नीलगिरी। नीचे मैं केरला में देख लेता हूँ अगस्तमलाई, यहाँ पर आपको मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार, शेषाचलम आपका आंध्रा में मिल जाएगा, ठीक है। अचानक मार की मैंने बातें कर ली सर, सिमलीपाल आपको उड़ीसा में मिलेगा, ग्रेट निकोबार अंडमान में मिल जाएगा, सुंदरबन आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में, नोकरेक की मैं बातें कर लेता हूँ। और मैं बार बार बोल रहा हूँ आजकल जितने भी पेपर्स आ रहे हैं उसमें सर ये चीज़ें एकदम कॉमन है, क्या क्या, एक है बायोस्फीयर रिजर्व, एक है आपका नेशनल पार्क और एक है आपका सेंचुरी। तो जितने भी बच्चे जिस स्टेट का पेपर दे रहे हैं वो अपने स्टेट के कम से कम बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरी को अवश्य पढ़ के जाइएगा, नेशनल लेवल पर तो पूछा ही पूछा जाएगा सर। यहाँ पे असम में भी आपको दो दो मिलने वाले हैं, एक आपको मिल जाएगा मानस मिलेगा सर, और दूसरी यदि हम बातें करते तो वहाँ पर आपको मिलेगा डिब्रू साइखोवा, ऊपर थोड़ा सा हम चलते तो आपको मिल जाएगा दिहांग दिबांग, ठीक है। फिर जब हम इधर आएंगे तो हमको मिलेगा सर कंचनजंगा, देन यहाँ पर आपको उत्तराखंड में नंदा देवी, और हिमाचल प्रदेश में आपको मिलने वाला है कोल्ड डिजर्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों को लगता है सर ये लद्दाख में होगा, बट नहीं, हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा ये कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो इस प्रकार से सर जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया हुआ है। अब कई बार ये भी एकदम जब सिली क्वेश्चंस पूछना रहता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को, चलो देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं, जल्दी से बताओ मुझे द फुल फॉर्म ऑफ द यूनेस्को क्यों और किस चीज के लिए यूज किया जाता है, यदि आपको पता होगा तो आप यूनेस्को का फुल फॉर्म बता पाएंगे। लेट्स सी कितने बच्चे बता पाते हैं, चलो बताओ फटाफट आंसर, द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। क्या बात है, कोई बच्चा नहीं बता रहा है, नोबडी, नो आइडिया, ऐसे कैसे, चलो गूगल कर रहे हो क्या, क्या बात है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इट्स नॉट एनवायरनमेंट,
इट्स नॉट एनवायरमेंट, यही मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई एनवायरमेंट लिख देगा करके, इट्स नॉट एनवायरमेंट, याद रखना सर, जहां पर एनवायरमेंट आता है वो यूएनईपी और यूएन एक और हो जाता है डीपी हो जाता है, ठीक है ना, खैर डीपी छोड़ दो, ये ईपी हो जाता है सर, ये ई फॉर हो जाएगा एजुकेशन, इसको लिख लो आप लोग, ठीक है ना, एजुकेशन सर, एस फॉर क्या हो जाएगा आपका, एस फॉर हो जाएगा साइंस, एस सी आई एन सी ई साइंस, नॉट सोशल, एंड सी फॉर हो जाएगा सर कल्चर, ये तीन चीज याद रखिएगा, यहां पर भी बहुत आप लोगों को खेला होगा, देखो जब क्वेश्चन देगा ना, मैं बता रहा हूं सर 80% बच्चे यहां पे कंफ्यूज होंगे, कैसे, देखो या तो ई में कंफ्यूज होंगे सर, जनरली हम लोग एनवायरमेंट 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 समझते हैं, बट यहां पे दे देगा वो एडुकेशन, या फिर दे देगा सर इकोनॉमी, ई से बहुत सारे वर्ड्स है ना, एडुकेशन इकोनॉमी दे देगा, आपको याद रखना दिस इज एडुकेशन शैक्षिक सर, एस से बहुत सारे बच्चों को सोशल करके दे देगा, देखना सोशल सामाजिक, इट्स नॉट सामाजिक, इट्स साइंस विज्ञान से संबंधित, उसके बाद सी, सी से बहुत सारा दे सकता है, लाइक सेंटर दे सकता है, सी से और कुछ दे सकता है, बट सर दिस इज कल्चर, तीन चीज याद रखेंगे, एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है याद रहेगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, चलो हाँ एक बार सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एकदम बिल्कुल लाएंगे, बहुत 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 जल्दी लाएंगे आपके लिए, आप निश्चिंत रहिए, न्यू ईयर से आप लोगों को सारा का सारा चीज एकदम पूरा डोज मिलने वाला है, सारे ऑर्गेनाइजेशंस लेके आऊंगा, सारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो उन लोग रिपोर्ट जारी करते हैं वो लेके आऊंगा, सबके हेड लेके आऊंगा, सबके हेडक्वार्टर्स लेके आऊंगा, स्थापना ईयर सब चीज में लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है चलिए, और यदि सेशन पसंद आ रहे हो तो एक बार थम्सअप दिखा देंगे, हाँ सर मजा आ रहा करके एक बार अपना थम्सअप बता देंगे, चलो सर आगे बढ़ता हूं फटाफट, सभी के सभी बच्चे एक बार थम्सअप बना देंगे, यस सर मजा आ रहा है, यस ओके, अगला जो हमारा जो न्यूज रहने वाला है वो भूटान से संबंधित रहने वाला है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां का जो सर्वोच्च अवार्ड होता है, हाईएस्ट सिविलियन पुरस्कार जो होता है, जैसे हम लोग भारत रत्न देते हैं वैसे ही यहां पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसको ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो बोला जाता है, अब नाम सर बड़ा अजीब है और आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्या ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो, क्योंकि देखो मोदी जी को दिया गया ये तो सब पता देंगे, सबको पता है हाँ सर ठीक है मोदी जी को दिया, हमारे पीएम को दिया, हो गया ठीक है, बट ये पुरस्कार का ना ठीक है ये भी आपको बता देंगे सर, आपको भूटान के जो क्या बोलते हैं मंत्री ने या फिर वहां के लोगों ने उसको दिया ये भी बता देंगे सर, नाम यहां पे फंसते हैं तो याद रखना, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो, क्या बोल रहा हूं, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो, तीन से चार बार इसको रट लो सर, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का प्यार और भरोसा दिखाने के लिए, आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है अच्छा, भूटान का कैपिटल फटाफट देख लो, चलो जल्दी से बताओ आप लोग, द कैपिटल ऑफ भूटान, भूटान का कैपिटल क्या हो जाएगा, और जल्दी से मेरे को यह भी बताना है भूटान से कितने भारतीय जो राज्य हैं वो टच होते हैं, नंबर ऑफ इंडियन स्टेट, क्योंकि ये चीजें हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूं, बार 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 करोगे तो आपको याद होगा, द कैपिटल ऑफ भूटान, जी हाँ वेरी गुड थिम्पू, बहुत बढ़िया, कैपिटल ऑफ भूटान थिम्पू, बहुत सुंदर, बताओ नंबर ऑफ इंडियन स्टेट, नंबर ऑफ इंडियन स्टेट, कितने भारतीय राज्य जो हैं जो कि भूटान की सीमा से लगते हैं, कमेंट करो, देखो यहां पर ठीक है कुछ बच्चे तीन बोल रहे हैं, लेट्स सी देखते हैं, लेट्स सी देखते हैं सर क्या ये जवाब सही होगा इन बच्चों का, बच्चे तीन बोल रहे हैं, आप लोग सिर्फ नंबर बताओ, स्टेट का नाम तो मैं बाद में पूछूंगा, आप लोग सिर्फ नंबर बताओ, आप लोग सिर्फ नंबर बताओ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को रहनी चाहिए याद, है ना, कितने इंडियन स्टेट हैं जो कि भूटान की सीमा को टच करते हैं, भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है देखो यहां पर बच्चों को कितना भी ज्योग्राफी पढ़ा लो लेकिन हमेशा गलती कर जाते हैं, तो सर चलो ठीक है एक बार फिर से पढ़ा देते हैं, क्या ही दिक्कत है ना, हम तो हैं ही बैठने हैं, हम तो बैठे ही हैं पढ़ाने के लिए, क्यों बच्चे जितनी बार गलती करे उतने बार बताते हैं भाई, हम तो हैं ही यहां पर बैठे ही हैं, ओके चलिए, तो मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर साइड वाला बनाने की नीड नहीं है, फिर भी हम बना देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ओके, अब सर ऐसा ही कुछ है भूटान, ऐसा ही कुछ है ना, यहां पर है ना भूटान, इधर है नेपाल, इधर भूटान, यस और नो जल्दी बताओ मेरे को, यस और नो, यहीं पर है ना भूटान, ये यहां पर, अब देखो सर ये जो लगा हुआ है ये क्या है आपका, ये है आपका सिक्किम सर, ये जो लगा है ये क्या हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, अब याद करो सर चिकन नो सॉरी चिकन नेक यहाँ यहाँ तक लेके चला जाता है, मतलब सर ये आपको वेस्ट बंगाल भी टच मिलेगा और सर इधर से ये असम भी आपको टच मिलेगा, तो कैसे बच्चे लोग जो तीन बोल रहे थे, हो गया खेला, हो गया खेला, यहाँ पे सिक्किम टच करेगा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश टच करेगा, यहाँ पे असम टच करेगा और यहाँ पे पश्चिम बंगाल, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने हो गए सर, चार हो गए, अब कैसे बोलो, अब कैसे बोलो, हैं बोलो सत्यनारायण भगवान की जय,
हो गया ना, खेला हो गया ना। तो चार स्टेट है सर, याद रखिएगा, ठीक है। देर आर फोर स्टेट और ये पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट। अगला जो न्यूज रहने वाला है ना, लुइस हैमिल्टन से संबंधित है भाई। देखो यहाँ के जो पुरस्कार जो दिए जाते हैं इन लोगों को, इनका खतरनाक रहता है, एकदम ऐसे घुटने टेक के ऐसे करके ऐसे देते हैं। हमारे यहाँ सर जो पुरस्कार देने वाले लोग हैं उन लोग घुटने टेकते हैं, जनरली पैर छूते हैं बड़ों का, ऐसा होता है, ठीक है। तो देखना ये जो लुइस हैमिल्टन है ना, इन्हें कई बार सर वो जीता है, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला वन रेस एंड ऑल ऐसा वैसा, ठीक है। तो सर इनके पास बहुत सारा रिकॉर्ड है और इसीलिए इसको दिया गया है एक टाइटल, और उस टाइटल का नाम है सर, याद रखना, उस टाइटल का नाम क्या है, जो कि ब्रिटेन वाले लोग देते हैं, और नाम है सर नाइटहुड। याद रखेंगे, जैसे कि मैं भारत की मैं बातें कर लेता हूं, जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो बहुत सारे भारतीय लोगों को भी नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, प्रख्यात इतिहासकार, इतिहासकार तो नहीं बोलूंगा, एक प्रख्यात साहित्यकार को भारत के उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। चलिए बताइए सर, नाइटहुड की जो उपाधि होती है, नाइटहुड का जो टाइटल होता है, ये ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। वहां के जो किंगडम्स रहते हैं, देखो रॉयल फैमिली, ये आप देख सकते हो, द रॉयल फैमिली, ये इनके ट्विटर से उठाया गया डायरेक्ट, ठीक है ना, ठीक है, ये उनके ट्विटर से डायरेक्ट उठाया हूं। तो भारत के किस एक महान साहित्यकार को इसकी उपाधि दी गई थी, क्या कोई मुझे बता सकता है, क्या क्या बात है, वेरी गुड, रविंद्रनाथ टैगोर। हां जी सर बिल्कुल, रविंद्रनाथ टैगोर को भी नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। तो यहां पर लुइस हैमिल्टन को ये उपाधि प्रदान करी गई है। किसमें आते हैं सर, आप सभी को पता होगा, फॉर्मूला वन के रेसर है ना, 7 बार से चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन अभी सर इनका जो जगह है वो कोई और बंदा ले रहे हैं, जिसका नाम है वेटसन करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा जो न्यूज रहने वाला है, ये भी काफी महत्वपूर्ण न्यूज है, और इसको देखकर सर मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग न्यूज है, बाहर वाला न्यूज है। तो जैसे कि यूनेस्को जो रहता है सर, है ना, यूनेस्को जो रहता है वो क्या करता है, मतलब ये सांस्कृतिक चीजों को भी, कल्चरल चीजों को भी बढ़ावा देता है। तो सर ये क्या किया, इन्होंने हैती, हैती आप लोगों को पता होगा कैरेबियन द्वीप है, तो वहां के एक सूप को, पारंपरिक सूप, जिसका नाम है सर, क्या नाम है इसका, नाम है जोमो सूप। यहां पर दिख रहा है, इस प्रकार से दिखता है, और ये नॉन वेजिटेरियन वाले लोग के लिए, भाई वेजिटेरियन लोग के लिए नहीं है ना, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा होगा। तो सर जोमो सूप को इन्होंने मान्यता दी है, और ऐसा ये इसका सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि ये कोई साधारण सूप नहीं है। लाइक जब यहां पर आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब यह जो सूप था, है ना, ये उनका प्रतीक था, ये उनका सिंबल था, इसलिए इसको क्या किया गया है, मान्यता दिया गया है। नाउ एक प्रश्न फिर से पूछा जाएगा सर आप लोगों को आने वाले एग्जाम में, वो प्रश्न ये रहेगा, है ना, कि भाई वह पहला इंडियन मेल कौन है, पहला इंडियन मेल शटलर कौन है जिन्होंने यह खिताब जीता है। तो सर BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर इस बंदे ने, क्या नाम है सर इसका, किदांबी श्रीकांत ने रच दिया है इतिहास। अब देखो ये इंडियन नेम है, हमारा भारतीय बंदा है, हमारा भारतीय बच्चा है, ठीक है, फिर भी सर, फिर भी कौन हराया या किस बंदे ने जीता, तो वो भी कई बार पूछा जा सकता है ना, तो उतना आपको याद रखने की नीड नहीं है, फिर भी यदि आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। इसका नाम है लो कियान, ये बंदा दिख रहा है ये, है ना। और देखो यार वैसे भी थोड़े से चाइनीज लोग हैं, कोरियन लोग हैं, जापानीज लोग हैं, इन लोग थोड़े से एक्सपर्ट रहते हैं, थोड़े से मतलब है ना एकदम तेज तर्रार रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बच्चे ने, इस बंदे ने क्या जीता सर, रजत पदक, बोले तो सर सिल्वर मेडल, सेकंड प्राइज, या फिर बोल सकते हैं द्वितीय स्थान, किसमें, BWF, है ना, यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट। अब ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है और पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में, भारत के एम्बेसडर, अब पता है आप लोगों को एक चीज बताऊं, अभी एक और एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि किस चोल राजा ने अपने चाइनीज मतलब राजदूत चाइना में भेजा था, एक बार और पूछ दिया था किस क्या बोलते हैं विजयनगर के राजा ने अपना चाइनीज या फिर अपना राजदूत चाइना में भेजा था, फिर एक और क्वेश्चन पूछा था किस क्या बोलते हैं मध्यकाल के राजा ने यानी कि सुल्तान ने अपना जो एम्बेसडर है वो चाइना में भेजा था। तो सर ऐसे चाइना में बहुत सारे हमारे एम्बेसडर जाते रहे, पहले से जाते रहे, ठीक है, तो ये एम्बेसडर भी गया है भाई चाइना, पहले ये कहाँ का था, आप जब न्यूज़ पढ़ेंगे देखेंगे, है ना, तो पहले कहीं और रहते थे, बाद में इनको कहीं और भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इनको सर फिलहाल अभी भेज दिया गया है, प्रदीप कुमार जी को चाइना, ओके। और ऐसा माना जा रहा है कि भैया अभी लद्दाख में तनातनी की स्थिति है, तो ये उस मामले को अच्छे से निपटा सकते हैं, ये थोड़े से एक्सपर्ट हो सकते हैं। अब इन लोग जो राजदूत या फिर एम्बेसडर बोलो या फिर एनवाई बोलो, है ना, ये सर होते कौन है, ये रहते हैं सर IFS ऑफिसर, याद रखिएगा IFS ऑफिसर। सर IFS कैसे बनते हैं, UPSC की परीक्षा होती है सर, UPSC की कौन सी परीक्षा होती है, सिविल सर्विसेज परीक्षा,
सर सिविल सर्विसेज क्या होता है, ये वही परीक्षा होता है जिसको आप लोग बोल देते हो आईएएस में आईपीएस में पूछा गया करके। आईएएस आईपीएस एग्जाम नहीं होता, आईएएस आईपीएस कैडर्स होते हैं अलग अलग, उनके रैंकिंग बनी जाती है, आपको चूज करना रहता है कि भाई आपका रैंक कितना आया है तो आप क्या फील्ड लेना चाहेंगे, वेदर आईएएस वेदर आईपीएस वेदर आईएफएस और एल्स, मतलब कोई दूसरी चीजें लाइक स्टेट एग्जाम होता है तो आपके पास ऑप्शंस रहता है कि आप डीसी बनो आप डीएसपी बनो आप तहसीलदार बनो क्या बनो। वैसे ही सर एक कॉमन एग्जाम होता है जिसको यूपीएससी का एग्जाम आप बोल देते हो, उसमें सिलेक्शन होने के बाद ये आईएफएस बनते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस रहनी चाहिए, आपको सर बहुत सारे लैंग्वेजेस आनी चाहिए। अब भैया इसको यदि चाइना भेजा जा रहा है तो ऑफकोर्स एक खतरनाक चाइनीज बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे सर इनको चाइनीज लैंग्वेज, जितना चाइना वाले लोग चाइनीज नहीं बोलेंगे उससे ज्यादा चाइनीज ये बोलेंगे चिंग चौंग चुइंग करके, आपको कुछ समझ नहीं आएगा लेकिन इनको आएगा जरूर, इसलिए इनको सर वहां पे अपॉइंट किया गया, इनको वहां पे भेजा गया है, ठीक है ना। बिना चाइनीज आए आप जा ही, मतलब आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आनी चाहिए तभी आप जा पाएंगे। ओके चलो, ये एम्बेसडर लोग वही रहते हैं जहां के लिए इन्हें, हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको उनको वहीं रखा जाएगा, ऐसे थोड़ी है कि आपको चाइना का एम्बेसडर बना दिया भैया आप इंडिया से बैठ के यहाँ पर आप क्या बोलते हैं मतलब यहाँ से कंट्रोल कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। ये इनको चाइना का एम्बेसडर बनाया ना, चाइना के एनवाई, तो ये भैया इनका पूरा का दूतावास आपने सुना होगा ना, एम्बेसी करके इंडियन एम्बेसी, देखो जैसे बहुत सारी मूवीज आती है इसलिए बोलता हूँ, जब आप मूवीज देखते हो ना तो चीज़ों को थोड़ा सा नोट किया करो। जैसे आपने देखा होगा सर बहुत सारी, जैसे अक्षय कुमार की दो तीन मूवीज में मैंने देखा उसमें दिखाता है कि भैया ये रहा भारतीय दूतावास विदेशों में, भारतीय दूतावास मतलब सर इंडिया के जितने भी, देखो वहां पे क्या होगा, भारतीय दूतावास अलग रहेगा, चाइना दूतावास, ये दूतावास, वो दूतावास, मतलब यदि मैं इंडिया की भी बात करता हूं तो इंडिया में सर जितने भी देश के लाइक पाकिस्तान के अमेरिका के चाइना के सबके जितने भी एम्बेसडर्स लोग हैं उन लोग का अलग अलग एक जगह पूरा अलग क्वार्टर रहता है, सबका जो दूतावास है यानी कि एम्बेसडर है एम्बेसी है वो एक साथ अलग अलग जगह पे रहेगा, वो मतलब एक ही एरिया पे रहता है। अब जैसे मैं कुवैत चले गया तो वहां पे सर इंडिया का मिलेगा, पाकिस्तान का मिलेगा, चाइना, मतलब जिन लोग वहां पे अपना एम्बेसीज देना चाहते हैं वहां पे मिलेगा, तो वहीं पे इन लोग जाके रहते हैं, वहीं से नियंत्रण करते हैं। भारत सरकार का इनडायरेक्ट जो प्रतिनिधित्व होता है ये एम्बेसडर लोग करते हैं, मतलब यदि भारत में चाइना में भारत का प्रतिनिधित्व, चाइना में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा सर, ये प्रदीप कुमार रावत जी करेंगे, ठीक है याद रखना इसको। देखो ये भी रावत हैं सर और विपिन रावत भी शहीद हुए हैं अभी हाल ही में, है ना, तो उनको भी आप याद रखिएगा दोनों चीज, ठीक है। आई बात समझ में सभी को, चलो सर आगे बढ़ते हैं, सभी को आ गया समझ में ना, ठीक है। हाँ एम्बेसडर चेंज भी होंगे, हाँ जी सर बिल्कुल चेंज होंगे एम्बेसडर, अवश्य चेंज होंगे एम्बेसडर, चेंज किए जाते हैं। अभी तो बताया ना कि कहीं दूसरी जगह, मेरे ख्याल से नीदरलैंड वगैरह के थे, इसको हटा के यहाँ पे ले के आया गया, इनका भी ट्रांसफर होते रहता है, इनको भी किसी एक जगह नहीं रख सकते। क्या होगा सर देखो, मान लो इसको पता है सर, चलो ये तो थोड़े से मतलब एज वाले लग रहे हैं, पता चले सर कोई एकदम यंग है, उसको कोई चाइनीज कुड़ी भाग गई, चाइनीज कुड़ी के साथ वो पता चला सर निकल लिया, या फिर पता चला सर किसी को एकदम रशिया वशिया जैसे जगह में भेज दिए, है ना, रशिया वाले जगह में भेज दिए, सर कोई रशियन महिला पसंद आ गई उसके साथ, अब होता है ना यार 2-3 साल से ज़्यादा रखोगे तो आसपास रहोगे देखोगे तो हो जाता है, नैन मटक्के हो जाते हैं, प्यार व्यार हो जाता है, पता चला निकल लिए 10-15 साल तक, इसलिए नहीं रखते उनको, 2-2 साल 1-1 साल के लिए ट्रांसफर करते रहते हैं, एक जगह इसलिए नहीं रखा जाता, ठीक है। चलो आ रहे ना समझ में, ठीक है बढ़ते हैं सर आगे नेक्स्ट। ओके नाउ, अब देखो सर ये उतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है लेकिन आजकल दिया जा रहा है इस प्रकार के जो न्यूज़ रहते हैं ना वो थोड़ा थोड़ा आपको दिया जा रहा है। सर क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, चिल्लई कलान करके, अब देखो हम लोग भी ठंडी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को, ठंडी में जब एकदम ज़्यादा ठंडी जब मच जाती है, एकदम ज़्यादा मतलब ठंड हो जाता है, अभी तो जैसे थोड़ा सा 4-5 दिन मतलब कड़ाके की ठंड थी, शीतलहर आ रही थी, अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है, क्यों हो रहा है उसको भी मैं बताऊंगा, है ना। तो सर बहुत ज़्यादा जो ठंडी पड़ती है, और वैसे भी 21-22 दिसंबर वाला ये टाइम होता है, अभी हाल ही में पास हुआ है, रिसेंटली गया है ये, तो इस समय को सर एकदम जीरो मतलब बोल सकते हो, जीरो तो नहीं बोलेंगे मतलब सबसे छोटा दिन रहता है, क्योंकि जो उत्तरायण दक्षिणायन वाला कंसेप्ट आप सभी को पता होगा, सबसे छोटा दिन सबसे बड़ा दिन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा अभी 21-22 दिसंबर होता है, सदन की मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ा हो जाता है जस्ट, और उसी समय साउथ वाले लोग यानी कि ऑस्ट्रेलियन कंट्री वाले लोग क्रिसमस वगैरह सेलिब्रेट करते हैं तो वहां पे गर्मी रहती है, समझना
प्रश्न पूछा था कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर क्रिसमस मतलब गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है, एकदम मतलब उठपुटांग टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया था, ऐसा कौन सा देश है जहां पर गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है। तो मैक्सिमम बच्चे क्या हिंट कर लिए पता है, भाई गर्मी में कब से क्रिसमस आने लग गया भाई, क्रिसमस तो अभी ठंडी में आता है, कल ही तो क्रिसमस मनाए भाई, क्रिसमस में एकदम ऐसे सांता हु हुआ झिंगा लाला हु करके निकलते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं ये वो करके। मैं बोला भाई मतलब सोच रहे बच्चे सर ये कब से गर्मी में कब से मना लेगा, लेकिन ये फैक्ट है, आप समझिए ना, आप समझिए ये सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की मैं बातें करता हूं, यहां पर है ना, यहां पर ठंडी पड़ेगी, यहां पर तो गर्मी पड़ेगी। तो भैया ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिश्चियन है, ऑस्ट्रेलिया के जो ईसाई लोग हैं, उन लोग तो गर्मी में ही मनाएंगे ना यार, 25 दिसंबर तो गर्मी पड़ता है उनके लिए, उनके लिए 25 अप्रैल बोलो या 25 जून बोलो वो ठंडी पड़ेगा उनके लिए, तो ये चीज याद रखना। तो क्वेश्चन दिया था उसका सही आंसर हो जाता ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो ठंडी पड़ती है ना कश्मीर में, 40 दिनों का सबसे कठोर समय होता है ठंडियों का, तो सर इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है चिल्लई कलान, ठीक है ना, क्या सर चिल्लई कलान याद रखना, तो कभी पूछा जाएगा व्हाट इज द चिल्लई कलान, तो सर चिल्लई कलान क्या होता है, चिल्लई अफ्रीका वाले एम्बेसडर क्या करेंगे बेचारे, छोड़ो उसको, तो सर इनको बोला जाता है, इनको बोला जाता है ना सबसे ठंडी वाले दिन चिल्लई कलान। नाउ दिल्ली गवर्नमेंट ने सर एक इनिशिएटिव लेके आया है, ये एक यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं जिसको बोला जाएगा सर क्या, टीचर्स यूनिवर्सिटी, यानी कि शिक्षक विश्वविद्यालय। अब आप समझिए यहाँ पे टीचर्स यूनिवर्सिटी, क्या कोई मुझे बता सकता है सर ये क्यों लेकर आया गया है, या फिर इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, इसका क्या आउटकम हो सकता है। जैसे मैं बोल दिया सर लॉ यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा है ना लॉ यूनिवर्सिटी, इसका मतलब सर यहाँ पर कानून की पढ़ाई होगी, लॉ से संबंधित चीजें बताई जाएगी, और वहां से जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे वो कानून के ज्ञाता होंगे या फिर कानून के क्षेत्र में काम करेंगे, ठीक है ना। और क्या यूनिवर्सिटी ले लेता हूँ सर मैं, आर्ट यूनिवर्सिटी ले लेता हूँ मैं, कला साइंस यूनिवर्सिटी ले लेता हूँ जिसमें विज्ञान। तो सर ये जो यूनिवर्सिटी रहेगी ना यहाँ पे शिक्षक कैसे बने, मतलब अभी तो ऐसा है कि आपने कोई डिग्री वगैरह धारण कर ली, ठीक है ना, बढ़िया गेट टेट फेड ये सब कुछ एग्जाम वगैरह दे दिया या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपने निकाल लिया, उसके बाद आप टीचर बन गए शिक्षक बन गए, ये वैसा नहीं है सर। ये यह बताएगा ये यूनिवर्सिटी, ऑफकोर्स टीचर्स तो रहेंगे, पढ़ाने वाले तो टीचर्स ही रहेंगे, ये टीचर बनाने के लिए ही है, मतलब यहाँ पर जो बच्चे जाएंगे, यहाँ पर बच्चे जो पढ़ेंगे या जो भी स्टडी करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे, चाहे वो पीएचडी होल्डर जो भी रहे, ठीक है, इन लोग क्या करेंगे सर, जैसे कि आप लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहता है वैसे ही ये उनके लिए शिक्षकों को निर्माण, शिक्षक का निर्माण, मतलब वहां जाके आप ये फिर नहीं बोल सकते नहीं यार मेरे को तो यहां जाना है, मेरे को आईएएस करना, मेरे को नहीं, वहां केवल वही लोग जाएंगे जो शिक्षक बनना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसको किसने स्टार्ट किया सर, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये सब पूछा जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, हाल ही के 2020-21 के यदि मैं प्रश्नों का एनालिसिस करूं सर, तो करंट अफेयर्स में सर बता रहा हूं 70% जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, 70% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ तीन कैटेगरी से आए हैं, आप लिख लो इसको, सिर्फ और सिर्फ तीन कैटेगरी से। नंबर वन सर ये है स्कीम या फिर गवर्नमेंट की योजनाएं, गवर्नमेंट की स्कीम या योजनाएं, ये भी इसी के अंतर्गत आता है, उसको प्रोजेक्ट भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना, स्कीम बोलो प्रोजेक्ट बोलो योजना बोलो, वहां से आया हुआ है नंबर वन। नंबर टू स्पोर्ट और नंबर थ्री अवार्ड, इसके बाहर कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं इसके बाहर कुछ नहीं है। 70% पूरा एनालिसिस करके बैठा हूं, 2020-21 के पूरे करंट अफेयर के क्वेश्चन इन्हीं तीनों से आए हैं, योजनाओं से है ना, यानी कि गवर्नमेंट की स्कीम से, योजनाओं से, स्पोर्ट से, और देखो स्पोर्ट को मैं बार बार बोलता हूं, और स्पोर्ट के करंट अफेयर में ना आप लोगों को एक चीज हमेशा ध्यान रखना होगा सर, स्पोर्ट के करंट अफेयर हमेशा बासी करंट अफेयर होते हैं, ये मैं बार बार बोल बोल के थक गया, मतलब सर 2020 वगैरह में कुछ हुआ होगा ना उसका 21 में कोई रोल नहीं है, 21 में हुआ होगा मतलब 22 में तो रहेगा सर ऑफकोर्स, अगर दिसंबर वगैरह में हुआ है मतलब 8 से 10 महीने के बाद उसको आपको नेगलेक्ट कर देना है। क्यों सर, देखो अभी जैसे मैंने WBF की मैंने बातें करी सर, अभी किसी एक बंदे ने जीत लिया, कल के डेट में कोई और बंदा जीत जाएगा, परसों कोई और जीत जाएगा, लेकिन सर पन्ना में टाइगर रिजर्व की मैं बातें करूं या फिर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की बातें करूं, सर एक बार बन चुका है तो बन गया है, उसको दर्जा मिल गया तो मिल गया सर, वो अनवरत रहेगा, उसको कभी भी पूछ सकते हैं उन लोग। सर नाबार्ड की स्थापना हुई सर 1982, उसको बार बार आजकल पूछा जाता है, कई दफा पूछ दिया जाता है। सर 1969 इसरो की स्थापना किस जमाने से हो गई, लेकिन बार बार उसको पूछा जाता है। तो ऐसे करंट को आपको हमेशा याद रखना है, और स्पोर्ट्स वाले हो गए, अवार्ड्स वाले हो गए सर, उसको एक बार पढ़ो और खत्म करो, जब नगला आता है तो सर उसको रिफ्रेश कर देना, ये चीज हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रहने वाला है सर, है ना,
ये संबंधित रहने वाला आपका एसिग्मा से, किससे? एसिग्मा से। अब ये क्या चीज है इसको समझते हैं, इंडियन आर्मी में स्पेशली, है ना, वैसे तो डिफेंस सिस्टम के लिए रहता है बट स्पेशली ये इंडियन आर्मी के लिए, भारतीय सेना के लिए, ये सर आधुनिक यानी कि आपका मॉडर्न मैसेजिंग एप्लीकेशन है, जिसको बोला जाता है सर आर्मी सिक्योर इंडिजिनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। क्या बोलूं मैं, आर्मी सिक्योर इंडिजिनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन, ये एकदम नया है, बिल्कुल नया। किसको रिप्लेस करेगा सर? ये रिप्लेस करने वाला है यहां पर जो पिछले 15 सालों से चला आ रहा था आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको AWAN के नाम से जाना जाता था। तो क्या होता है, ये जो बहुत सारे आर्मी के ऑफिसर्स हैं, उनके पर्सनल्स होते हैं, उन लोग आपस में कुछ बातें शेयर करते हैं या कुछ डेटा वगैरह शेयर करते हैं, तो कॉमन ऐप पे तो कर नहीं सकते, क्योंकि कॉमन ऐप पे फिर चिंग चंग चुई वाले लोग बैठे हैं सर, उन लोग कहीं ना कहीं भस्की मार देते हैं। तो उन चीजों से बचने के लिए क्या करते हैं सर, हमारी आर्मी खुद का अपना एक ऐप डेवलप करती है, है ना। तो ये जो नया अभी फिलहाल डेवलप किया गया है, इसका जो नाम रहेगा सर, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है इसका नाम क्या है, इसका नाम है सर आर्मी सिक्योर इंडिजिनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। ओके, क्या बोल रहा हूं मैं, आर्मी सिक्योर इंडिजिनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन एसिग्मा। और इसको किसने रिप्लेस किया सर, इसने रिप्लेस किया है आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क, बोले तो AWAN को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। चलो, अच्छा BEd करो करके, हाँ ठीक है, बिल्कुल पूरा लिख दिया करो, मैं BEd समझ रहा था, BEd क्या करके, बाद में चल अच्छा BEd है करके। ओके चलो सर, अब थोड़ा सा सिंगल लाइनर करंट अफेयर्स की भी चर्चा कर लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये, है ना। ठीक, देखिए सबसे पहले मैं बातें करता हूँ सर, यहाँ पे मैं बातें करूंगा नवीन पटनायक ने, ठीक है, नवीन पटनायक ने उड़ीसा के दुर्गम क्षेत्रों के लिए, दुर्गम बोले तो सर जो ऐसे एरिया, रिमोट एरिया जहां पर बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन के साधन उपलब्ध हो पाते हैं, देखना ना जरा ऐसे कुछ कुछ एरिया, क्योंकि सीधी सी बात है हिली एरिया जहां पर रहेगा, पहाड़ी एरिया वहां पे ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है, तो ऐसे एरिया के लिए सर इन्होंने एयर एम्बुलेंस की शुरुआत करी है, किन्होंने, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में कहां के चीफ मिनिस्टर ने अपने क्षेत्र की एयर एम्बुलेंस की शुरुआत करी, तो कौन है सर, वो है नवीन पटनायक। दूसरी यदि हम बात करते सर इंडिया का, यानी कि भारत का पहला हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत करने वाला जो स्टेट है उसका नाम है सर आंध्र प्रदेश। क्या बोल रहा हूं मैं, हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट, मतलब ये एक ऐसा प्रोजेक्ट रहेगा जिससे रिन्यूएबल एनर्जी या फिर हाइड्रोजन एनर्जी की उत्पादन करी जाएगी। अब इसी आपको तारतम्य में एक और प्रश्न का आंसर देना है, इंडिया का पहला हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट या ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, चलो आंसर कर लो, ये मैंने पढ़ाया आप लोगों को, भारत का पहला हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट कहां पर स्थापित किया गया, ये भी आप आंसर कर दो फटाफट। हाल ही में सर बांग्लादेश का 50वां विजय दिवस मनाया गया, आप सभी को पता है 1971 का जो वार हुआ था, है ना, अभी 2021 चल रहा है, तो उधर के 30 और इधर के 20 साल ले लो, तो उन लोग अपना मस्त बढ़िया से स्वर्ण जयंती मना रहे, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सर इनको बुलाया गया था कि इनको रामनाथ कोविंद जी को विशिष्ट अतिथि के रूप में। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में रामनाथ कोविंद किस देश के दौरे पर गए थे, कहां पर उनको विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया था रामनाथ कोविंद। प्रश्न उल्टा पूछ सकता है, बांग्लादेश ने अपने विजय दिवस के उपलक्ष्य में किस भारतीय नेता को या किस भारतीय प्रतिनिधि को बुलाया था, रामनाथ कोविंद को बुलाया था, यह भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो सर अभी आपको याद होगा 1971 1971 में बना था, 16 दिसंबर एक मूवी भी आई थी 16 दिसंबर, याद करो वो गुलशन गौर वाला बड़ा खतरनाक मूवी था भाई, मेरे को तो समझ ही नहीं आया वो। चलो आंसर करो तो फटाफट, कहां पे किया गया, देखो इतने कैसे जल्दी भूल गए भाई, कोई आंसर नहीं किया, मथुरा, मैंने आप लोगों को बताया था ना, याद करो मथुरा, कैसे भूल गए बच्चे लोग, इतने जल्दी भूल गए, आगे पार्ट पीछे सपाट है, ग्राम से गुरुग्राम बताया था, याद करो गुरुग्राम, ग्राम वाला गुरुग्राम, हरियाणा वाला बताया था, और इसको मैंने बताया था सर मथुरा, दोनों में जब आप कंफ्यूज हो रहे थे, कैसे भूल गए इतने जल्दी, बाप रे बाप। ठीक है, चलो याद रखना सर, पहला हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट मथुरा। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे मोहब्बत नहीं चलेगी, ठीक है ना। चलो सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केंद्रीय मंत्री, ये तो यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, महिलाओं की जो शादी की उम्र सर 18 से 21 कर दी गई है। अभी सर कुछ लोग इसको लेकर एकदम इसके खिलाफ भी पता है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब इंडिया में भाई कुछ भी कर लो लोग प्रोटेस्ट करना है तो करेंगे ही करेंगे, मतलब कोई बोल रहा अरे भाई 18 था सही था बढ़िया सब बातें बातें हो जाती थी, 18+ जैसे होते थे तो मस्त भाग भाग के शादी कर लेते थे, अब तो 3-3 साल वेट करना पड़ेगा तब तक वो समझदार हो जाएगी, अब हम कैसे भगा के ले जाएंगे, गजब करते हो यार। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई अब 21 साल की हो जाएगी तो उसको पढ़ाने लिखाने में ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, ऐसा वैसा, मतलब एक से एक सोच वाले लोग ना, मतलब भाई क्या ही बोलोगे, बट मैं तो बोलता हूँ भाई थम्सअप करता हूँ, बढ़िया है 21 साल की, मतलब वो तो 25 साल कर देना चाहिए था, खैर ज़्यादा हो जाएगा, अच्छी बात है सर 21 वर्ष कर दी गई है।
और ये होनी चाहिए थी, बहुत पहले होनी चाहिए थी, है ना। 18 जो रहता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। चलिए सर आगे देखते हैं हम लोग। यूपी में सबसे लंबा एक्सप्रेस वे खोला जा रहा है जिसका नाम रखेंगे सर गंगा। इसके पहले भी था एक और जिसका यमुना नाम था, याद रखना। एक जो दिल्ली नोएडा था उसको जनरली यमुना एक्सप्रेस वे बोलते थे। अभी एक और सबसे लंबा रखा जाएगा सर जिसका नाम रखेंगे हम लोग गंगा एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे में वो होता है जहां पर एकदम टॉप स्पीड में गाड़ियां चलती हैं और नीचे कहीं से कोई दूसरा चढ़ नहीं सकता, ना कोई उतर नहीं सकता, एकदम नॉन स्टॉप चलता है वो। कोई जब तक वो एक्सप्रेस वे खत्म नहीं होगा तब तक कोई उस रोड से ना उतर सकता है ना नीचे कोई जा सकता है। मतलब जहां पे स्टार्ट होगा जहां पे खत्म होगा वहीं पे बस वो रहता है। बहुत कम यहाँ पर कटर वटर दिए जाते हैं, ठीक है। नाउ सर तमिलनाडु का ये राज्य राष्ट्रीय नहीं होगा, दिस इज नॉट राष्ट्रीय, दिस शुड बी द स्टेट होगा ना, इसको राजकीय लिखिएगा आप लोग प्लीज। जैसे सर देखो छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है क्या है, जल्दी से आप लोग बताओ छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत, जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं अपने अपने स्टेट के आप लोग बताइए स्टेट सॉन्ग। जितने भी बच्चे यहाँ पर अलग अलग स्टेट से हैं सब अपने अपने स्टेट के जो स्टेट सॉन्ग है राजकीय गीत है वो बताइए मुझे जल्दी से कमेंट करके। तो सर तमिलनाडु के जो राजकीय गीत है तमिल थाई वजथू, इसको किया गया है क्या राजकीय गीत, राजकीय सॉन्ग, ठीक है ना। चलो अरे नहीं भाई फाइटर जेट नहीं उतार सकते आप, ठीक है चलो फाइटर जेट नहीं उतार सकते, निपट जाने हैं वैसे में। ओके नाउ सर जिस टाइफून की हम यहां पर बातें कर रहे थे, ओके इसका क्या नाम है राय, जिस टाइफून की हम बातें कर रहे। अब देखो ये फिलीपींस एरिया में आया सर इसलिए उसको टाइफून नाम दे दिया गया है। थोड़ा इस साइड आता तो उसको हम लोग साइक्लोन बोलते थे, थोड़ा उस साइड अमेरिका साइड चले जाता तो उसको हम लोग हरिकेन बोल देते, नीचे ऑस्ट्रेलिया में चले जाता तो उसको हम विली विली बोल देते। तो सर ये आने वाला 15th मेजर आपका तूफान है या फिर बोल सकते हो नेचुरल डिजास्टर है या फिर डिस्टरबेंस है। और प्लीज सीक्वेंस आप लोग जरूर याद रखिएगा। मैं पूरा देखो 2021 को निपटने दो, पूरा हो जाने दो, फिर मैं 2022 में जैसे हम आएंगे तो क्विक रिविजन सीरीज लेकर आऊंगा मैं, क्विक रिविजन या 2021 इन ग्लांस ऐसे करके एकदम तस्वीरों के माध्यम से पूरा हम पूरा पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। वो बहुत जल्दी आएगा आप लोगों के लिए, गॉट इट। नेक्स्ट 20-25 ऑफ दिसंबर सर गुड गवर्नेंस डे। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताना ये किनके जन्मदिवस की याद में इसको मनाया जाता है, किनके जन्मदिवस की याद में सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब ये किया जाएगा सर किसके द्वारा, पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि सर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय इनके द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया है या फिर इनके द्वारा इसको चलाया जा रहा है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कौन सा मंत्रालय इसके लिए आगे आया है, किस मंत्रालय इसको क्या करके। तो याद रखना सर अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पहले बोलता हूं हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके याद में इसको मनाया जाता है। डेट याद रखना 20-25 दिसंबर, ठीक है। ओके स्पोर्ट्स सेक्शन से एक और क्वेश्चन है, दो न्यूज है यहां पर। सबसे पहले इसको मैं बात करें तो सर सैफ अंडर 19 जैसे अभी पुरुषों का हुआ था वैसे यहां पर सर महिलाओं का हुआ था और ये अंडर 19 है, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। इसमें सर बांग्लादेश ने बाजी मार ली, याद रखना सर बांग्लादेश निकल गया है, यानी कि बांग्लादेश नंबर वन, बांग्ला लोग नंबर वन, बांग्ला महिलाएं, और सर इंडिया जो है वो नंबर टू, क्योंकि भारत को इन्होंने हराया है और सर मात्र 1-0 के अंतर से, मात्र 1-0 के, याद रखना। वैसे बहुत कम पूछा जाता है कितने अंतर से हरा है, वो एकदम ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, फिर भी यदि आपको याद रखना है तो 1-0 के अंतर से हरा है सर, एकदम क्लोज कॉम्बेट हुआ था। दूसरी यदि मैं बात करूं सर यहां पर जो एशिया का चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था हॉकी वाला, ये मेल का था, एशिया का चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था सर यहां पे जो तीसरे स्थान के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। देखो जब भी इस प्रकार के आयोजन होते हैं चाहे वो टेनिस की बात करो, बैडमिंटन की बात करो, हॉकी, कुश्ती वगैरह, ये सब में सर जनरली क्या होता है ना सेमीफाइनल होगा, जैसे कि सेमीफाइनल A1 B1, यहां पे सेमीफाइनल A2 और B2। मान लेते सर यहां पे A1 जीत गया और यहां पे A2 जीत गया तो A1 और A2 के बीच होगा फाइनल। अब इधर से B1 हार रहा है, इधर से B2 हार रहा है, तो B1 और B2 को भी आपस में लड़ा देते हैं और फिर इनमें जो जीतता है सर उसको तीसरा स्थान बोल देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इंडिया और पाकिस्तान खेले थे, इसमें याद रखना पीछे आप जर्सी देख सकते हो, इंडिया और पाकिस्तान खेले थे तो जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों हार गए थे अपने अपने सेमीफाइनल में, है ना। तो इन दोनों ने खेला आपस में जिसमें से इंडिया जीत गया और ये क्या बन गया सर, इनको मिल गया कांस्य पदक, बोले तो सर ब्रॉन्ज मेडल, इनको क्या मिल गया ब्रॉन्ज मेडल। अब आप लोग को यह भी याद रखना सर कौन जीता और कौन हारा करके, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड भी तो याद रखना है। तो सर इसका जो विनर है जो पहला आया है वो है सर साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, और जो सेकंड है सर वो है जापान, याद रखना, ठीक है ना। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जो विनर रहा है वो रहा है साउथ कोरिया, बट देखो दूसरे देश है उसके उतने इंपॉर्टेंट नहीं करके मैं नहीं लिखा उसको, और जो दूसरा है सर वो है आपका जापान, आप लिख लीजिए क्योंकि ऑप्शन में वो भी दिया जाएगा शायद। और
जो तीसरा पोजीशन लेकर आया, मतलब जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता, वो है हमारा देश इंडिया। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं सर, नेक्स्ट। चलिए, नीति आयोग ने सर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस पर आधारित एक नया वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम लेकर आया है। नीति आयोग समय समय पर अलग अलग चीजें करते रहता है। तो देखो, इनोवेशन प्रोग्राम मतलब क्या होता है, जैसे कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स लोग होते हैं, नवाचार जो करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, उन लोग के साथ लैंग्वेज बैरियर ना हो, भाषा से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम ना हो करके नीति आयोग ने सर अपने पूरे ऑफिशियल 22 लैंग्वेजेस में इसको लॉन्च करने का इन्होंने निर्णय लिया है। ठीक है, यदि मैं बात करता हूं सर ये जो 22 लैंग्वेजेस कौन है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये भी समय समय पर पूछा जाता है और ये सब के सब स्टैटिक के पार्ट हैं। यार मैं अलग से 22 लैंग्वेज क्यों कराऊं, जब मेरे देखो यहां पर न्यूज में मेरे को मिला ना, न्यूज में मेरे को मिल गया ये ऑफिशियल 22 लैंग्वेजेस की बातें करी जा रही, तो मैं ले आता हूं 22 लैंग्वेज की मैंने बातें कर ली। कल की डेट में कुछ और बोलेगा सर कि यूनेस्को की पूरे वर्ल्ड हेरिटेज की, तो मैं पूरे वर्ल्ड हेरिटेज गिना दूंगा। कल की डेट में वो रामसर साइट की बात करेगा, तो मैं पूरे रामसर गिना दूंगा। तो ऐसे करंट में जब हम पढ़ते हैं ना, तो धीरे धीरे स्टैटिक का जो वो पार्ट है वो सर धीरे 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 कवर होता जाता है। इसीलिए एक साथ आपको नहीं करना रहता है, धीरे धीरे करके। और ऐसा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सीजीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा है इसको, यूपीएससी में तक पूछा है भाई, कई बार पूछा है इसको, हर तीसरे चौथे साल उठा के पूछ देता है कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज है कि नहीं। कई बार पूछा है इंग्लिश, इसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में आता है कि नहीं, हर बार ऑप्शन में इंग्लिश देता है सर, और बच्चे इंग्लिश मार के आते हैं जबकि इंग्लिश इसमें है ही नहीं। याद रखना 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमेशा ऑप्शन में देगा सर, इंग्लिश को हमेशा ऑप्शन में देता है और संस्कृत भी देता है, और बच्चे लोग संस्कृत को मार के आते हैं कि संस्कृत को कैसे रखेंगे करके, लेकिन संस्कृत है ऑफिशियल जो 22 लैंग्वेज हैं उसमें, संस्कृत है उसमें सर, आपका हिंदी है, कौन कौन से देख लो सर, असम है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कश्मीर से तो बहुत सारे मिलेंगे, इधर देखना कश्मीर, इधर उर्दू भी उधरी का है सर, डोगरी भी उधरी का है ना, बोडो इधर का हो जाता है, याद रखना दो तीन ठो मिलेंगे, कन्नड़ हो गया, कश्मीर हो गया, कोंकणी सर गोवा साइड का, मलयालम, ठीक है ना। उसके बाद सर यहाँ पे आपको मणिपुरी दिख रहा है, फिर मराठी, फिर ये नेपाली। अब देखो आप, ये भी दिया जाता है पता है, नेपाली भी दिया जाता है, और बच्चों को क्या लगता है भाई जब इंग्लिश नहीं हो सकता तो नेपाली कहाँ से हो जाएगा, है कि नहीं, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है सर। अच्छा, नेपाली से संबंधित कुछ अंगिका होता है, यस और नो, मैं करेक्ट बोल रहा हूँ क्या, आप लोग बताना, तो जो बच्चे यूपी नॉर्थ साइड के होंगे तो अंगिका भी ऐसे कुछ रहता है क्या नेपाली जैसा, जल्दी से बताना, तो यूपी उत्तराखंड हिमाचल साइड वाले बच्चे शायद इनको जानते होंगे, ज़रा बताना तो मुझे, नेपाली अंगिका ऐसे कुछ होता है क्या, ये मैथिली हो गया, डोगरी हो गया है ना, और ये उर्दू हो गया, बोडो हो गया, संथाली ये तो झारखंड वाला हो गया, तेलुगु, तमिल, सिंधी भी है सर, याद रखेंगे सिंधी लैंग्वेज भी है, ओके, पंजाबी, ओडिया और ये संस्कृत, गॉट इट। चलो सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये वो ऑफिशियल 22 लैंग्वेजेस हैं, ये वो ऑफिशियल 22 भाषाएं हैं जो कि आपको पूछी जाती है सर। इसमें याद रखेंगे ये आठवें शेड्यूल के अंतर्गत आती हैं, किसके अंतर्गत आती हैं सर, ये आठवें शेड्यूल के अंतर्गत आती हैं। और यदि मैं बातें करूं, है ना, और यदि मैं बातें करूं, ठीक है, तो सर ये जो रहता है ना, ये जो रहता है इंग्लिश इसमें शामिल नहीं रहता है, हिंदी रहता है इसमें और संस्कृत इसमें शामिल रहता है। दूसरी यदि मैं बात करता हूँ सर, तो नीति आयोग जो ना समय समय पर अलग अलग इंडेक्सेस जारी करती है, समय समय पर अलग अलग इंडेक्सेस जारी करती है। इन इंडेक्सेस की मैं बातें कर ले तो सर आप देखे होंगे, अभी मैंने आप लोगों को कुछ दिन पढ़ाया था स्टेट एनर्जी इंडेक्स पढ़ाया था मैंने, फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ाया था मैंने, याद करो स्कूल इनोवेशन या स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स पढ़ाया था मैंने, ये सारे के सारे इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स मैंने पढ़ाया था, ये सारे के सारे इंडेक्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो कि नीति आयोग जारी करती है। कल के डेट में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है या नहीं किया जाता है, तो ये वो सारे इंडेक्स हैं जो कि जारी किए जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। और आज अंतिम स्लाइड है, इसके बाद हम लोग सेशन को करेंगे एंड, सेशन को करेंगे समाप्त। अंतिम स्लाइड है सर, ये आप देख लीजिए यहाँ पर, है ना, 18 दिसंबर को क्या माना जाता है, वर्ल्ड माइनॉरिटी डे, यानी कि विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा गोवा मुक्ति दिवस मैंने बताया, 19 दिसंबर। 24 को मनाया जाता है सर नेशनल कंज्यूमर डे, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 22 रामानुजम के जन्म दिवस के दिन में हम मनाते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस, ठीक है ना। 18 को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताना आपका राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल माइग्रेट या फिर ओवरसीज डे कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। नाउ 23 दिसंबर को मनाया जाता है सर किसान दिवस, नेशनल फार्मर्स डे, किनकी याद में, भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी,
जो कि पेशे से किसान थे, कृषक थे, और कृषि के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था, और इसीलिए उनकी याद में, उनके जन्मदिन के याद में हर वर्ष 23 दिसंबर को मनाते हैं किसान दिवस, ठीक है ना। चलो क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सही प्रीतम डे, चलिए वेरी गुड। कब मनाते हैं, 12 जनवरी पक्का कि 9 जनवरी, जल्दी बताओ 12 जनवरी कि 9 जनवरी। एक दूसरे का कॉपी तो नहीं कर रहे हो आप लोग, पक्का 12 जनवरी कि 9 जनवरी, ज्यादा बताना मुझे तो बताओ, फिर हम लोग करेंगे सेशन को समाप्त। हाँ अब आया ना लाइन पे, इट्स नॉट 12, इट्स 9, राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस। 12 को तो यूथ डे है बेटा, 12 को है, 12 जनवरी को तो विश्व बोलते सॉरी इंडियन यूथ डे है, 9th ऑफ जैन को मनाते हैं हम लोग, अभी पढ़ाएंगे अगले सेशन में उसी को, 9 जनवरी को हम मनाते हैं क्या, भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है। चलिए वेरी गुड, ठीक है भाई, हाँ गांधी जी जब अफ्रीका से आए थे, वेरी गुड। 12 जो रहता है वो युवा दिवस है, और 9 जो है वो आपका भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है। चलिए तो इस सेशन को मैं यहाँ पर करता हूँ समाप्त, और आप जुड़िए हमारे चैनल में अद्वैत एजुकेशन के साथ, और होंगी हमारी मुलाकात फिर किसी और सेशन में, तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत जल्द होगी हमारी मुलाकात। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।